दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ फिफी आइलैंड, और फिफी आइलैंड एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इन थाईलैंड। अगर आप फुकेट में जा रहे हो, अगर आप बंगला रोड पतोंग में रह रहे हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, आपको फिफी आइलैंड का ट्रिप मिस नहीं करना है। फिफी आइलैंड का ट्रिप बुक करने के लिए मैं चला गया था बंगला रोड में, बहुत ऐसे ट्रेवल एजेंट है, उन लोगों के साथ बार्गेन किया। वो लोग तो पहले 1500-1200 थाई बाट बोल रहा था, बट मैं हूँ देसी ट्रेवलर, बार्गेनिंग करना मुझको आता है, तो मैंने जबरदस्त बार्गेन किया और पूरा मेरा इंटायर पैकेज मुझको मिल गया सिर्फ 900 थाई बाट में। यस गाइस, इट वाज अ वेरी गुड डील फॉर मी, आई थिंक सो। तो वहां से बुक करने के बाद नेक्स्ट डे मुझको जाना है फिफी आइलैंड। फिफी आइलैंड जाने का कोई रोड ट्रिप नहीं है, ये कम्प्लीटली अगर आप जाना चाहते हो आपको शिप से जाना पड़ेगा, और या तो आपको बाई बोट जाना पड़ेगा। तो मैं चूज किया था बोट जर्नी, बिकॉज बोट जर्नी बिट ऑफ फास्ट होता है और ब्रेक जर्नी भी होता है, किसी दूसरे आइलैंड में रुकते हैं। तो फिफी आइलैंड जाने के लिए आपको टोटल ऊपर तीन जगह पे वो लोग रुकते हैं। एक तो है कोई नॉक आइलैंड जो पहला पड़ाव है, दूसरा पड़ाव है फिफी आइलैंड, और तीसरा पड़ाव है गाइस मायावी, जो दुनिया के बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि वहाँ पर हॉलीवुड का जो फेमस मूवी द बीच मूवी का शूटिंग हुआ था। तो आई वॉज ट्रस्ट मी वेरी मच एक्साइटेड। सुबह से मैं उठकर मैं रेडी हो चुका था और 7-7:30 बजे मैं होटल के बाहर भी आ चुका था, बिकॉज मुझको पिकअप करने वाले थे ट्रैवल एजेंट वाले। थोड़ा सा आधा घंटे तक वो लोग लेट भी हो चुके थे, बट सो व्हाट, आई वॉज सुपर एक्साइटेड। 8 बजे उन लोग का ट्रैवल एजेंट का जो कैब आ गया था मुझको पिकअप करने के लिए, पर वो लोग से मुझको पिकअप नहीं किया, आसपास के होटल के दूसरे जो पैसेंजर्स थे, फिफी आइलैंड का जो टूरिस्ट थे, उन लोगों को भी वो लोग पिकअप कर लिया। पिकअप करने के बाद वो कार हम लोग को लेके गया जो ट्रैवल एजेंट का ऑफिस, द अंदमान ट्रैवल एजेंसी। अंदमान ट्रैवल एजेंसी का जो ऑफिस एकदम समुंदर के किनारे, वहाँ पर हम लोग को 1-1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा। पर 1-1.5 घंटा हम लोग ब्रेकफास्ट किया, वहाँ पर फ्री ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट के अंदर आपको मिल सकता है आपको ब्रेड, जैम, जेली, बटर, बहुत कुछ, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन योर ट्रेवल बजट। तो पेट भर के मैं खाया, बिकॉज आई वॉज सो मच हंग्री। उसके बाद मैं चढ़ गया हम लोग को स्पीड बोट में। एक स्पीड बोट में इंस्ट्रक्टर भी था, उसका नाम था म्याओ म्याओ। शी वॉज वेरी नाइस, शी वॉज वेरी क्यूट लेडी, एंड वी हैड अ वेरी गुड बॉन्डिंग फ्रॉम दैट टाइम। सो गाइज, स्पीड बोट का जर्नी हम लोग का शुरू हुआ। शुरू होने के बाद जस्ट आधा से 40 मिनट जर्नी हो जाने के बाद बीच समुंदर में स्पीड बोट रुक गया, और हम लोग को बोला गया अगर आप नहाना चाहते हो, स्कूबा डाइविंग करना चाहते हो, अंडर वाटर ड्राइव करना चाहते हो, यू कैन डू इट ओवर हियर। सो ट्रस्ट मी गाइस, मैं स्विमिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इतना बेहतरीन मौका, पूरा आइलैंड के बीच में नीले समुंदर में नहाने का मौका, ऐसे मैं कैसे छोड़ देता। तो मैं भी पूरा इस्तेमाल किया अपॉर्चुनिटीज को। मैं लाइफ जैकेट पहन के मैं उतर गया, चेन पकड़ के उतर गया मैं समुंदर में। ट्रस्ट मी गाइस, क्या कमाल का एक्सपीरियंस था, व्हाट अ एक्सपीरियंस। आप बहुत करीब से नेचर को देख सकते हो, मछलियों को देख सकते हो आपके आसपास, द वाटर इज जस्ट क्रिस्टल क्लियर वाटर। वहाँ पर आपको आधा घंटा टाइम मिलता है नहाने के लिए, उसके बाद हम लोगों का जर्नी फिर से शुरू हो जाता है फॉर द क्वीन ऑफ आइलैंड। क्वीन ऑफ आइलैंड एक छोटा सा टापू है, एक छोटा सा आइलैंड है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट क्वीन ऑफ आइलैंड में कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, आप खा पी सकते हो, और आप वहाँ पर फ्री में स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, स्विम कर सकते हो, कुछ भी करो, कुछ चिल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो समुंदर के साइड में बैठकर आप समुंदर को देख सकते हो, नेचर को फील भी कर सकते हो। तो मैं भी 2 घंटे ऐसे स्कूबा डाइविंग करके, स्विम करके मैंने स्पेंड किया। इट वॉज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उसके बाद हम लोग का जर्नी फिर से शुरू हुआ फॉर आवर फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज द गाइस फिफी आइलैंड। In one word, I might say the place is just awesome. क्या जगह है, क्या कल्चर है, क्या ब्यूटिफुल नेचर है। हम लोग एंट्री करने के बाद we had a very good experience. पहले तो हम लोग फ्री में लंच था, हम लोग दबा के लंच किया, चिकन था, वेज था, whatever you want, you are vegetarian, you are non-vegetarian, you can get according to your wish. लंच करने के बाद सभी दोस्त मिलकर हम लोग पूरा आइलैंड घूम लिया। An island is so natural. And the island is so beautiful and full of nature and life. And ये सब करने के बाद, थोड़ा सा tired हो जाने के बाद, शाम का 4 बजे हम लोग कॉफी भी पिया वहाँ पर, और उसके बाद हम लोग को घर वापस आना था। तो थोड़ा सा अपसेट भी हो चुका था, बिकॉज हम लोग का जो एडवेंचरस जर्नी फिफी का, ये भी खत्म होने वाला है।
बट ट्रस्ट मी उसके बाद अचानक मेरा याद आया, अरे जर्नी तो यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी माया बे बाकी है। माया बे जहाँ पर द बीच हॉलीवुड मूवी का शूटिंग हुआ था, ये दुनिया का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पूरे दुनिया से लोग जाते हैं माया बे को देखने के लिए। सो दो घंटे स्पीड बोट जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए थे माया बे, पर अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज वॉज वेटिंग फॉर मी। द बैड न्यूज इज माया बे वॉज क्लोज्ड। हाँ जी दोस्तों, माया बे क्लोज्ड हो चुका था। माया बे को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया बाहर से। क्यों माया बे को क्लोज कर दिया गया है? माया बे को दोस्तों क्लोज कर दिया गया है फॉर द शार्क्स, क्योंकि माया बे एक नेचुरल हैबिटेट है फॉर द शार्क। बट जब टूरिस्ट लोग ज्यादा वहां पर जाते हैं, पोल्यूशन करते हैं, बहुत साउंड पोल्यूशन करते हैं, तो शार्क वहां से भाग जाते हैं। तो इसीलिए माया बे को क्लोज कर दिया गया है, अभी कोई टूरिस्ट वहां पर नहीं जाते हैं फॉर द ब्रीडिंग एंड फॉर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द शार्क। तो ठीक है, उस वक्त मुझको बुरा लगा, पर बाद में जब सोचा कि शार्क के लिए है तो आई फील गुड, चलो यार कुछ अच्छा ही कर रहे हो लोग। उसके बाद हम लोग वापस आ गए जहां से हम लोग का जर्नी शुरू हुआ था, मींस फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द अंडमान टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वहां से हम लोग का कैब इंतजार कर रहा था पूरा दिन का मस्ती एडवेंचर एंड रोमांच के बाद फिर से हम लोग कैब में चढ़ गए हम लोग के होटल के लिए। एंड हम लोग का जो कैब ड्राइवर हम लोग को जहां से पिकअप किया था मींस फ्रॉम आवर होटल, वहां पर हम लोग को ड्रॉप कर दिया। ऐसे बेहतरीन एक्सपीरियंस करना विद नेचर इज ट्रस्ट मी ऑसम। सो दोस्तों गाइस, ये था पूरा फिफी आइलैंड का ट्रिप दैट आई हैव एंजॉयड फ्रॉम देयर। होप सो अगर आप भी थाईलैंड में जा रहे हो, अगर आप भी फुकेट जा रहे हो, ये फिफी आइलैंड का ट्रिप तो आपको मिस नहीं करना है। सो गाइस, होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, यू गॉट लॉट ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइबर नहीं बने हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।